दोस्तों सब्सक्राइब करें ये एक्स मनाने यूट्यूब चैनल को और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए अपने मोबाइल पर इस बेल आइकन पर क्लिक करें। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि जब भी कोई नया सेटअप मेडिकल बॉक्स का आएगा तो आपको इसी वीडियो में उसकी लिंक मिल जाएगी और जो भी लिंक मिलेगी आपको सेटअप की वो मीडियाफायर की लिंक मिलेगी। आप मीडियाफायर से डाउनलोड कर सकते हैं उस सेटअप को और मीडियाफायर से अगर आप गूगल क्रोम से डाउनलोड करते हैं अगर उससे नहीं होता है प्रॉब्लम हो रहा है तो आप मोजिला फायरफॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं यहाँ पे मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर ने कमेंट किया था कि भाई जो पुराना वाला 7.3 जो सेटअप था वो एक्सपायर हो चुका है तो नया वाला 7.5 जो इंस्टॉल नहीं हो रहा है और कोई करा इंस्टॉल हो रहा है तो हम उसे जो है यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, उसे ओपन करते हैं और ओपन होने के बाद वो ऑटोमेटिकली गायब हो जाता है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है कि पुराने वाले सेटअप को आपको अनइंस्टॉल करना है। तो आपको सबसे पहले अनइंस्टॉल प्रोग्राम में जाना है, आपको जो है मेडिकल बॉक्स का पुराना सेटअप जो भी इंस्टॉल होगा आपके कंप्यूटर में उसे आपको पहले रिमूव कर देना है, ठीक है। पुराना वाला सेटअप यानी नया वाला सेटअप इंस्टॉल करने से पहले आपको जब भी आप करें तो पहले आपको पुराने वाले सेटअप को अनइंस्टॉल करना है, ठीक है। अनइंस्टॉल करने के बाद आपको मेडिकल बॉक्स का जो फोल्डर बना हुआ होता है सी प्रोग्राम में, यहाँ पे मेडिकल नाम का जो फोल्डर है तो इस फोल्डर को आपको डिलीट करना है और सी प्रोग्राम से डिलीट करने के बाद आपको रिसाइक्लोबिन से भी यहाँ से डिलीट कर देना है। और यहाँ से डिलीट करने के बाद आपको करना क्या है दोस्तों, मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि आपको अपने कंप्यूटर को जो है यहाँ पे अपने कंप्यूटर में स्टार्टअप पर आएंगे, आपका विंडो 7 है विंडो 10 है जो भी है आपको पहले परसेंटेज यहाँ पे टाइप करना है, फिर परसेंटेज देने के बाद आपको यहाँ पे टेम्प लिखना है, टेम्प लिखने के बाद फिर आपको परसेंटेज देना है और अपने कीबोर्ड में आपको एंटर दबाना है, यहाँ टेम्प वाला एक फोल्डर जो है ओपन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ सारे फाइल को आपको सेलेक्ट करना है एक साथ और सारे फाइल को सेलेक्ट करके आपको इसे डिलीट करना है। तो दोस्तों आप जब टेम्प फाइल को डिलीट करेंगे तो कुछ फाइल जो है डिलीट नहीं होगा और कुछ फाइल को आप डिलीट करना चाहें कि गलत ट्राई कर सकते हैं और जो डिलीट नहीं होगा उसे छोड़ देना है। उसके बाद आपको रिसाइक्लोबिन से जो है डिलीट करना है आपको, यानी टेम्प फाइल को डिलीट करने के बाद आपको रिसाइक्लोबिन से भी आपको डिलीट करना होगा। और दोस्तों रिसाइक्लोबिन से जब डिलीट हो जाएगा ये टेम्प फाइल, उसके बाद आपको कंप्यूटर को रिस्टार्ट करना है और रिस्टार्ट करने के बाद कंप्यूटर जब आपका ऑन होगा तो सबसे पहले आपको मैं आपको बता दूं कि अगर आप अपने कंप्यूटर में कोई अगर लोकल एंटीवायरस यूज कर रहे हैं तो आप उस एंटीवायरस को डिसेबल करके सेटअप को इंस्टॉल करना है। और मान के चलिए अगर आपके पास कोई अगर अच्छा इंटरनेट सिक्योरिटी है, अगर आपके पास कोई अच्छा एंटीवायरस है, जैसे मान के चलिए मैं अपने कंप्यूटर में यूज करता हूँ टोटल सिक्योरिटी, ठीक है, तो क्विक हेल टोटल सिक्योरिटी मैं यूज करता हूँ, इसमें दो क्वालिटी होता है, एक 700 रुपये का आता है और हमारे यहाँ, और एक जो है 1200 रुपये का आता है, ठीक है। तो मैंने जो अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल किया है 1200 रुपये वाला, ठीक है, तो इसे हमने यहाँ पे इनेबल कर रखा है, डिसेबल कर रखा है और इसे हम यहाँ पे इनेबल कर देंगे, ठीक है। अगर ये एंटीवायरस आपके कंप्यूटर में है इंस्टॉल तो आप इस एंटीवायरस को जब भी सेटअप को इंस्टॉल करेंगे तो इस एंटीवायरस को आप इनेबल ही रखेंगे, आपको डिसेबल नहीं करना है। और अगर आपके पास लोकल एंटीवायरस है कोई तो आप उसे डिसेबल करके इंस्टॉल करेंगे। तो दोस्तों अगर आपके पास सस्ता कोई एंटीवायरस है तो आप अपने कंप्यूटर को जो है जब भी आप इस सेटअप को इंस्टॉल करेंगे तो एंटीवायरस को डिसेबल करके इंस्टॉल करेंगे। और फिर भी अगर ये तरीका आजमाने से अगर आपका जो प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं होता है तो आप क्या करेंगे अपने कंप्यूटर को फॉर्मेट करके फिर दोबारा उसे इंस्टॉल करेंगे अगर आपके पास लोकल एंटीवायरस है तो। और अगर आपके पास क्विक हिल टोटल सिक्योरिटी, अगर आपके पास ये 1200 रुपये वाला अगर इंटरनेट सिक्योरिटी है तो आपको फिर कंप्यूटर को फॉर्मेट करने की कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल सेम यही तरीका आप अपनाएं और आपका 100% जो है वर्क करेगा। तो चलिए दोस्तों अब ये नया वाला सेटअप को हम इंस्टॉल करते हैं अपने कंप्यूटर में और जो है पुराने वाले को हमने रिमूव कर दिया पूरी तरह से और हमने अपने कंप्यूटर को रिस्टार्ट कर दिया और नए वाले सेटअप को हम यहाँ पे इंस्टॉल कर रहे हैं। इसी तरह से जब आप इसे राइट क्लिक करके जब इसे आप ओपन करेंगे तो ये इस तरह से आपको दिखेगा, ये नया वाला मेडिकल बॉक्स का जो सेटअप है 2.75 आपको यहाँ पे नेक्स्ट करना है, एक्सेप्ट करना है, ठीक, और नेक्स्ट कर देना है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अभी ये सेटअप इंस्टॉल होने के बाद भी प्रॉब्लम करेगा, इसमें आपको और भी तरीका इसमें आपको यहाँ पे अभी उपयोग करना होगा, आपको बहुत से तरीका अभी इसमें आपको आजमाना होगा इस सेटअप को कंप्लीट अभी वेरीफाई करने के लिए। तो आपको मैं बता दूं कि आप वीडियो के साथ बने रहे, मैं आपको ये 10 मिनट की वीडियो है और इस वीडियो में आपको पूरी बात बता रहा हूँ मेडिकल बॉक्स के बारे में ताकि कभी भी आप नया सेटअप इंस्टॉल करें तो आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो दोस्तों जब ये सेटअप इंस्टॉल होगा आप नया वाला जो 2.75 इंस्टॉल करेंगे उसके बाद यहाँ पे आपको ड्राइवर यानी प्रोफाइल ड्राइवर है, प्रोफाइल यूएसबी टू सीरियल वाला जो ड्राइवर है इसे आपको जो यहाँ पे जो नेक्स्ट करेंगे तो ये पुराना वाला जो ड्राइवर आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल होगा वो ऑटोमेटिकली जो यहाँ से रिमूव हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे इस नए वाले ड्राइवर को इंस्टॉल करने का जो यहाँ पे तरीका है इसमें भी नहीं आ रहा है, ठीक है, तो आपको मैन्युअली करना है नए वाले ड्राइवर को इंस्टॉल। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि सेटअप इंस्टॉल हो चुका है लेकिन यहाँ पे ये वर्क फिर भी अभी नहीं करेगा। जब हम यहाँ पे चेक डोंगल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो हमारा डोंगल ये इरर लिखेगा। दोस्तों मैं आपको यहाँ दिखा दूँ, आप यहाँ देख सकते हैं हमने डोंगल को चेक किया, यहाँ पे डोंगल हमारा यहाँ पे जो है इरर दिखा रहा है, ठीक।
तो दोस्तों वीडियो के साथ बने रहे, मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ कैसे इसका हम जो है सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों आपको करना क्या है कि यहाँ पे इस जो क्लोज कर देना है, क्लोज करने के बाद आपको वापस जो है अपने सी प्रोग्राम में जाना है, और सी प्रोग्राम में जाने के बाद आपको यहाँ पे सी प्रोग्राम जो ओपन करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको मेडिकल टीम का यहाँ पे एक फोल्डर है, पहले यहाँ मेडिकल बॉक्स के नाम से लिखा हुआ आ रहा था, अभी यहाँ पे जो है मेडिकल टीम के नाम से लिखा हुआ आ रहा है। इस फोल्डर पे आपको जो है क्लिक करना है, इस फोल्डर को आपको ओपन करना है, और इस फोल्डर को ओपन करने के बाद फिर आपको ओपन करना है, उसके बाद आपको यहाँ पे बॉक्स डाटा पे आपको ओपन करना है, ठीक है। बॉक्स डाटा को जब आप ओपन करेंगे उसके बाद आपको यहाँ पे ड्राइवर ओपन करना है, फिर आपको बॉक्स ड्राइवर आपको ओपन करना है, और इस सेटअप को आपको इंस्टॉल करना है। तो यहाँ पे सब आपको नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट करने के बाद आपको ये सेटअप इंस्टॉल होगा, इसके बाद आपको यहाँ पे फिनिश कर देना, उसके बाद इसे यहाँ क्लोज कर देना है। उसके बाद माई कंप्यूटर पे आपको राइट क्लिक करना है, उसके बाद मैनेज में जाना है, और ठीक है, और मैनेज में जाने के बाद आपको डिवाइस मैनेजर ओपन कर लेना है। डिवाइस मैनेजर जब ओपन हो जाएगा आपका, उसके बाद डिवाइस मैनेजर के अंदर में मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ, आप यहाँ पे थोड़ा सा देख लें। तो डिवाइस मैनेजर को हमने यहाँ पे क्लिक किया, उसके बाद यहाँ पे हम पोर्ट पे क्लिक करेंगे, और पोर्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा मेडिकल बॉक्स का जो यहाँ पे जो है ड्राइवर अभी नहीं बनाया है, और इसी वजह से हमारे यहाँ प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। तो हमें करना क्या है कि अब अपने कंप्यूटर को जो है हार्डवेयर को स्कैन कर लेना है, और या हो सकता है फिर हमें मेडिकल बॉक्स का जो है जो केबल है उसे निकाल के दोबारा लगाना है, ठीक है। उसके बाद आपका मेडिकल बॉक्स शो करेगा, उसके बाद आपको इसे अपडेट करना है, तो ठीक है, आपको सी प्रोग्राम से सिलेक्ट कर देना है ऐसे, और ये ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा बॉक्स का ड्राइवर अपडेट हो चुका है सक्सेसफुली। अब हम इस डिवाइस मैनेजर को क्लोज कर देंगे, क्लोज करने के बाद हमें वापस जो है अपना मेडिकल बॉक्स ओपन करना है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, जब भी आपको अगर इस तरह का प्रॉब्लम हो तो बिल्कुल आप यही तरीका अपनाएं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और जब भी कोई नया सेटअप आएगा तो आपको इसी वीडियो के अंदर में जो है नए सेटअप की लिंक आपको हर महीने आपको मिलता रहेगा। तो दोस्तों उसके बाद मैं बता दूँ आपको कि ये अभी जो ओपन होगा ये मेडिकल बॉक्स, आप यहाँ पर देख सकते हैं ये सेटअप ओपन हो चुका है। अब इसे हमें सबसे पहले करना ये है कि यहाँ पे चेक डोंगल पे हमें क्लिक करना है, और उसके बाद ऑटोमेटिकली हमारा जो डोंगल है वो, ठीक है, वो डोंगल हमारा ऑटोमेटिकली यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। और जब ये डोंगल अपडेट हो जाएगा दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं डोंगल हमारा यहाँ पे अपडेट हो चुका है, ठीक है। उसके बाद हमें करना क्या है, यहाँ पे एमटीके सेलेक्ट करना है, एमटीके सेलेक्ट करने के बाद एक बार हमें यहाँ पे कनेक्ट कर देना है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दें, आप लोग लाइक नहीं करते हैं, वीडियो देख लेते हैं और अब बिना लाइक के आप लोग चले जाते हैं, थोड़ा सा लाइक कर देंगे तो क्या हो जाएगा, तो आप प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।